अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे किचन में जी बन रहा है मटन स्ट्यू। ये मेरी मामा की रेसिपी है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत यम्मी ये सालन बनता है। इसको आप चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, आपने सिंपल मटन को चिकन से रिप्लेस कर देना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ और उनकी क्वान्टिटीज बताती हूँ। ये यहाँ पर मेरे पास मटन है, ये आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर है। इधर ये जो ये वाली लाल मिर्चें होती हैं, गोल वाली जो होती हैं, ये मैंने 22 ली हैं। आप लोग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसको ले सकते हैं, जितना स्पाइसी आप लोगों को पसंद है। यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं और ये एक प्याली दही है। और इधर मसालों में सिंपल हमारे पास सॉल्ट है, यहाँ पे ये ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, चार लौंगे हैं, थोड़ा सा अदरक है। और अब मैं सबको ना जिस पतीली में मैंने बनाना है उसमें डालती हूँ। और मैं ये जो लाल मिर्च है इनकी स्टेम्स रिमूव कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि जब हमने इसको डालना हो तो हमारी आसानी हो। और अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं ये पतीली में डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने मटन डाल दिया यहाँ पे, उसके बाद इसमें प्याज डाल दिया मैंने, ये जो रेड पेपर्स थे वो डाल दिए, और योगर्ट डालते हैं। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऑयल भी हम लोग डालेंगे, और उसके बाद इसको हल्की आंच पे हमने पकने रख देना है। ये जिस कटोरी से मैंने दही डाला था उसी में मैंने पानी डाल दूँ, ताकि ये अच्छी तरह से जो उसका रिमेनिंग योगर्ट था उसके अंदर वो भी निकल जाए। और अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि इसको अभी हमने भुनाई तो इसकी करनी नहीं है। अभी फ़िलहाल हमने इसको हल्की आंच पे गोश्त के गलने तक पकने रखते हैं ना। आप प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें भी इसी तरह से आपने हिसाब रखते हैं कि जब आपका जो मटन है वो गल जाएगा उतनी देर तक आपने इसको पकाना है। और अब इसको एक दफ़ा मिक्स करके चूल्हा मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया है, लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और अगर आप कुकर में कर रहे हैं तो वो जिस तरह से भी आपका कुकर का हिसाब है आप उसी तरह से उसको करेंगे। ये मैं इसके ऊपर इसको कवर कर रही हूँ, और अब हम इसको तकरीबन मुझे यहाँ पे लगेंगे 45 मिनट्स टू वन आवर इसके गलने में, और उसके बाद फिर ला कर। और अब हम जी चेक कर लेते हैं कि जो हमारा मीट है वो टेंडर हुआ है कि नहीं। इसको गल जाना चाहिए, बिल्कुल गल गया। अब हम ये करेंगे कि आंच बिल्कुल तेज़ करके इसका पानी खुश करेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और अब जी इसका पानी खुश हो रहा है, और साथ साथ हम ये करेंगे कि जो लाल मिर्चें हम लोगों ने डाली थी इनको हम लोग ना इसी तरह से डोई से ही ना इनको मसल देंगे, ताकि उनके जो अंदर के सीड्स हैं वो भी निकल आए और इसका कलर भी निकल आए। और अभी आप देख सकते हैं कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, और हमने अब इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मसाला उसका प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गया, और वो जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था, अदरक, ज़ीरा, लौंगे और काली मिर्चें, उनको मैंने पीस ली है। और वो मैंने पीस के अब मैं इसके अंदर उसको ऐड करने लगी हूँ, पिसे हुए मिक्सचर और नमक। ये ना मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब इस पॉइंट पे ना मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो देसी घी है ना वो ऐड करूँगी, और इसकी अच्छी तरह से हम लोग भुनाई। और अब हम इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए।
और जो मैंने देसी घी डाला है इस पॉइंट पे वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप ना डालें। और सिंपल उसकी वो जो पिसा हुआ हमारा था अदरक, जीरा, लौंग, नमक और काली मिर्च है उसको डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें। भुनाई आप जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप ना इसकी भुनाई बिल्कुल हल्के हाथ से करें। अगर हम बहुत ज़ोर से ये जो ये डोई चलाएंगे तो वो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो जो बोटियाँ वो टूट जाएँ, तो वो हमें इस तरह से नहीं होने देना। और ये देखें जी इसकी भुनाई हो गई है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ऑयल इसका सेपरेट हो गया, यहाँ से देख सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर, आज लकीली मेरे पास धनिया अवेलेबल है तो वो हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट इनहेंस हो। मैं इसके ऊपर धनिया डाल रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है, फ्रेश ग्रीन कलर। और ये जी हमारा स्टू बिल्कुल रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और आप ट्राई करने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।